कैसे सेट करें नमस्कार सर? सर, देखो आज आपको हम चीज़ दिखा रहे हैं, गाड़ी की क्लच प्लेट मोटरसाइकिल की बाइक की कैसे डलती है। और ये हमारे कारीगर साहब है। और या आपका नाम सर? अनिल कुमार है। सर आप बताइए कैसे क्लच प्लेट डलती है और कैसे गाड़ी अच्छी रहती है क्लच प्लेट से और अच्छी कैसे चलती है। देखिए ये पहले तो ये क्लच प्लेट, हाँ जी सर, इस क्लच प्लेट की हालत है। हाँ जी सर दिखाइए, ये घस गई है ये। और इस प्रकार से गाड़ी चलाइए जैसे रफ गाड़ी चलाते हैं, कोई बच्चे को देता है उससे वो क्लच प्लेट घस जाती है। अच्छा सर, जी देखिए क्लच प्लेट की हालत। हाँ सर, अब आपको हम नहीं तो, हाँ सर दिखाइए, ये एकदम नई ब्रांड है, एकदम पैकिंग। पैकिंग भी ये भी। अच्छा जी, ये पैकिंग। और आपको ये बताते हैं कि क्लच प्लेट बनने का क्या रीज़न है। बताइए सर क्या रीज़न है। क्लच प्लेट का रीज़न ये है कि क्लच को ज़्यादा टाइट करते हैं, हाँ उससे क्लच प्लेट घस जाती है अच्छा, अंदर से। तो मीडियम रखना है। हाँ, क्लच को हाफ क्लच में रखना पड़ता है। अच्छा सर बताइए। और यार इसमें ग्रोंडा में चार क्लच प्लेट आती है और तीन प्रेशर प्लेट आती है। ओके, ये है हब सेंटर। अच्छा, हब सेंटर तो प्रेस है। आपने साफ किया है? साफ किया है। कई कई बार हब सेंटर ख़राब होता है तो उसमें धारी सी पड़ जाती है और उससे खराब, उस वजह से खराब हो जाता है, उससे ही क्लच प्लेट बढ़ जाती है। अच्छा, कई मिस्त्री क्या करते हैं जैसे हब सेंटर खत्म है उसको ही चला देते हैं, उससे कोई महीना डेढ़ महीना चलती है और उससे कारण वो भी क्लच प्लेट भी बढ़ जाती है फिर से। अच्छा, फिर से बढ़ जाती है। हाँ, फिर से जैसे हब सेंटर ख़राब हो तो उसको चेंज कर देना चाहिए। ओके, अब दिखाते हैं आपको क्लच प्लेट कैसे फिट करते हैं। दिखाइए, ये देखो पहले तो क्लच प्लेट आएगी। हाँ ओके, उसके बाद प्रेशर प्लेट, और इसमें भी रीजन है उल्टी और सुलटी। ये सीधी है क्या? हाँ, और इधर है उल्टी उल्टी। और फिर क्लच प्लेट, फिर से प्रेशर प्लेट। सर उल्टी डाले तो उल्टी डाल से खराब हो जाती है। ये हो गई सेट, ये हो गई सेट। हाँ, अब हम उसमें डाले। और मेन बात इसमें, हाँ पहले तो ये वास्ता आएगा। हाँ ओके, ये वास्ता इसमें लगेगा, उसके बाद ये नट आएगा। कौन सा दिखाओ? अच्छा, फिर आपको इसको टाइट करना ना। हाँ, तो आपको इस कूलर की सहायता से होगा। अच्छा, क्या करते हैं जो काम सीखते हैं ना, वो क्या करते हैं छीनिए थोड़ा से खोलते हैं, उससे ये नट खराब हो जाता है और उसके गियर सॉकेट में भी दिक्कत आ सकती है। अच्छा, इससे अच्छा रहता है। इसको एकदम से टाइट करना है, जरा सा भी लूज होगा ना तो दिक्कत आ सकती है।
एक बार रखने के लिए, इसमें ये थोड़ी प्ले होनी जरूरी है। अगर प्ले नहीं होगी ना तो क्लच प्लेट ऐसा सही नहीं रहेगी। अच्छा, और जैसे किक मारेंगे वो किक भी नहीं लेगा, मतलब ये जगह होनी जरूरी है। हाँ, इतनी प्ले रहनी जरूरी है। बढ़िया, ये है। इसके बाद ये बस ये स्प्रिंग डलेगी, ये चार स्प्रिंग। अच्छा, ये इसमें लगेगी पहले। ये लग गई, उसके बाद ये प्लेट लगेगी। ऐसे लगेगी प्लेट, और उसके बाद ये चार नट है।